हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू जॉन्टी गेमिंग। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूं शॉटगन की टिप्स एंड ट्रिक्स। और वो ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जिससे आज आप शॉटगन बहुत ओपी चलाने लग जाओगे। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या गलती करते हो जब आप M1014 चलाते हो, मतलब शॉटगन जब आप चलाते हो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, वो बस आपको इस वीडियो के अंदर देखना है। अगर आपने आज की पहली दो टिप देख ली तो गाइस मैं सच्ची बता रहा हूं, आपसे अच्छी शॉटगन कोई और नहीं चला पाएगा। इसलिए वीडियो को आप कम से कम 3 से 4 मिनट का जरूर देखें, क्योंकि वहां तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद गाइस मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको डायमंड जीतना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलो गाइस, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, नीचे वो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दो, एंड नोटिफिकेशन बेल को सभी के सभी ऑल पे सेट कर लो ताकि हमारी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ आज की टिप नंबर वन। और आज की टिप नंबर वन है 2 बेसिक स्टेप। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखना। गाइस समझो, ये जो पेड़ है ये एक एनिमी है, ठीक है। और जब भी आप शॉटगन चलाते हो तो आपकी पहली दो गोली बहुत अच्छे से चलती हैं, उसके बाद सारी गोली आपकी रिकॉइल होती है। यहाँ पर देख रहे हो आप, मैं एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो जो मेरा कर्सर है वो कितना बड़ा हो जाता है, देखो 1 2 3 4 5, देखा कितना बड़ा हो गया। तो मतलब लास्ट की गोली आपकी लगेगी ही नहीं एनिमी को। तो इससे अच्छा है आपको 2 बेसिक स्टेप में पहला स्टेप बताता हूँ इससे लड़ने के लिए। सबसे पहले जब भी स्टार्टिंग की आपकी दो गोलियां एनिमी को लग जाती है, मतलब जब आप स्टार्टिंग की दो गोलियां एनिमी को मार देते हो, 1 2, उसके बाद आपको पूरी की पूरी जो गन की फायर है वो रोकनी नहीं है, आपको चलाते रहना है। कैसे, वो आप यहां पर वीडियो में देखो। गाइज यहां पर देखो, जब मैं यहां पर एनिमी से लड़ता हूं तो पहली दो गोली जैसे ही एनिमी को लगती है, देखो मैं एकदम से फायर को चलाते रहता हूं, रोकता नहीं हूं। उससे क्या होता है कि पहली दो गोली जैसे ही एनिमी को पड़ेगी उसके बाद उसका एचपी कम से कम भी नहीं तो 170-180 तक का खत्म हो जाता है। और फिर लास्ट का जो रिकॉइल वाली हमारी जो गोलियां आती है उससे हम एनिमी को बहुत इजीली मार सकते हैं उतने से एचपी को। तो गाइज आपको पहला बेसिक स्टेप समझ आ गया होगा, अब देखो दूसरा बेसिक स्टेप। गाइज क्या हो अगर पहली दो गोलियां ही ना लगे एनिमी को, तब तो मुश्किल हो जाएगी। तब आपको क्या करना है, देखो अगर पहली दो गोली नहीं लगती है एनिमी को तो आपको मारते ही ग्लू वॉल लगा लेनी है। आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाई मेरी पहली दो गोली शॉटगन की नहीं लगी है तो मुझे ग्लू वॉल लगानी है, क्योंकि इसके बाद गन रिकॉइल करेगी और रिकॉइल जब करेगी तो एनिमी को गोली नहीं लगेगी, वो मुझे बहुत आसानी से मार सकता है। अभी मैं वो आपको आगे दिखाऊंगा। या फिर आपको गाइस एक काम और करना है, अगर पहली दो गोली रिकॉइल कर भी जाती है तो अगर आपके पास क्रोनो है तो आपको क्रोनो लगा के वहां पे खड़े होकर फिर एनिमी को मार देना है, या फिर आप वुकोंग भी बन सकते हो। अब यहां पर देखो गाइस, मैंने एनिमी को 1 2 गोली मारी है लेकिन मैं डैमेज हो गया हूं। मेरे को पता था कि अगर मैं थोड़ी देर और वेट करूंगा तो मैं आराम से मर सकता हूं, इसीलिए मैंने क्रोनो लगा के एनिमी को मारा है। तो गाइस आपको दूसरी बेसिक स्टेप समझ आ गया होगा कि आपको हमेशा यह देखना है कि आपकी पहली दो गोली लगी है या नहीं लगी है। अगर नहीं लगी है तो आपको या तो क्रोनो लगाना है या फिर आपको वॉल लगा के अपने आप को कवर करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गाइस आपको एनिमी बहुत इजीली मार देगा। जैसे यहां पर देखो, मैंने कवर नहीं किया तो एनिमी ने मुझे बहुत इजीली मार दिया। अब देखो यहां पर मेरी पहली गोली ही नहीं लगी तो एनिमी ने मुझे बहुत इजीली मार दिया। अब बात करते हैं हमारी टिप नंबर 2 जो कि है जंप शॉट। गाइस आपकी जो मूवमेंट स्पीड होती है ना शॉटगन के साथ वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसीलिए आपको शॉटगन के साथ हमेशा जंप करके खेलना पड़ता है, ताकि क्या हो कि एनिमीज को आपको स्पॉट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, मतलब एनिमी आपके ऊपर एम ही ना कर पाए। आपको ऐसे जंप करना पड़ता है राइट या लेफ्ट की तरफ, ताकि जब एनिमी आपको मारे तो उसको पता ही ना लगे कि आपने राइट की तरफ जंप करा है या लेफ्ट की तरफ जंप करा है। तो इसीलिए ऑलवेज आपको जंप शॉट करना ही करना है, आपको ये सीखना ही पड़ेगा। आप इसको ट्रेनिंग ग्राउंड में भी सीख सकते हो, इसको आप क्लैश स्क्वाड में भी सीख सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो गाइस जंप शॉट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसे ही आप रिवाइव होते हो कई बार, तो अगर आप जंप करके मारते हो एक तो हेडशॉट पड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, दूसरी चीज एनिमी आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा तो आप उसको ज्यादा डैमेज दे सकते हो। तो गाइज आपको यहाँ पर 2 स्टेप समझ आ गए होंगे बेसिक, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उसके साथ आपको ये स्टेप भी पूरा पूरा कवर करना है।
तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि आप डायमंड कैसे जीत सकते हैं और अपनी आईडी में बहुत सारे डायमंड कैसे ले सकते हैं। तो आज मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन का नाम है विंजो। गाइज यहाँ पर बहुत सारे गिव अवेज चलते रहते हैं, तो आप यहाँ पर डेली डायमंड जीत सकते हैं। और यही नहीं गाइज, अगर आप टॉपअप करते हैं, कोई इवेंट आता है तो अगर आप टॉपअप करते हैं, तो यहाँ पर है विंजो स्टोर, जहाँ से अगर आप टॉपअप करोगे तो आपको कम पैसों में ज़्यादा डायमंड मिलेंगे। मतलब आपको पैसा तो एक बार देना पड़ेगा, लेकिन आपको डायमंड डबल से भी ज़्यादा मिलेंगे। तो गाइज जब भी कोई इवेंट आता है तो मैं टॉपअप यहीं से करता हूँ, क्योंकि मुझे कम पैसों में बहुत ज़्यादा डायमंड मिलते हैं। तो अगर किसने भी अभी तक विंजो ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे रहा हूँ, जल्दी से जाओ डाउनलोड करो और गिव अवे में पार्टिसिपेट करो और वहां जाके बहुत सारे डायमंड जीतो। तो चलो गाइज अब हम बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ, जो कि है क्लोज रेंज। गाइज शॉटगन घर के अंदर एकदम भगवान होती है, ठीक है। शॉटगन मतलब आप अगर घर के अंदर किसी एनिमी को मार रहे हो तो मतलब ये भगवान है। इसीलिए गाइज आपको एक काम करना है, हमेशा एनिमीज के साथ चिपक के खेलना है। चिपक के खेलने का मतलब क्या है कि आपको मतलब उसके इतने क्लोज रहना है कि आपकी दो शॉटगन की बुलेट में ही एनिमी बहुत ईजिली मर जाए। क्योंकि गाइज इसकी रेंज ज़्यादा नहीं होती है, इसकी मतलब आप डबल बैरल की तरह इसकी रेंज मत समझना कि बहुत दूर तक होती है, इसकी रेंज बहुत कम होती है। इसीलिए आपको हमेशा क्या करना है, एनिमीज के बहुत क्लोज जाना पड़ेगा। और इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर आपके पास क्रोनो है या आपके पास वुकोंग है तो आप एनिमी के बहुत इजीली क्लोज जा सकते हो और उसको बहुत इजीली मार सकते हो। और अगर गाइस आपके पास क्रोनो नहीं है या वुकोंग नहीं है, तो अगर आप कुछ भी और करेक्टर यूज करते हो तो आप गाइस ग्लूवल लगा के एनिमी के पास जा सकते हो। बस आपको उसके क्लोज जाना है किसी भी तरह, और वहां जाके आपको शॉटगन चलानी है, आपकी दो बुलेट और एनिमी बहुत इजीली मर जाएगा। और अगर आपके पास अब वॉल भी नहीं है तो गाइस मैं आपको बता देता हूं, आप होल्ड कर लो एनिमी को अपने पास आने दो, और उसके बाद जंप शॉट मैंने आपको बता ही दिया है, आप जंप शॉट मारो और उसको बहुत इजीली खत्म कर दो। तो गाइस ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप एनिमी के क्लोज जा सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट टिप की तरफ, जो कि है टूर्नामेंट टिप। इसको बहुत ध्यान से देखना। मुझे पता है कि गाइस बहुत सारे बंदे ये बोलते हैं कि आपके पास स्किन है इसलिए आप अच्छा खेल पाते हो, हमारे पास स्किन नहीं है। तो गाइस मैं आपको सिंपल एक बात बता दूं, टूर्नामेंट के अंदर कोई भी स्किन अलाउड नहीं होती है, वहां पर वही नॉर्मल गन चलती है जो आपके पास विदाउट स्किन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं स्किन के साथ बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, ठीक है। मैं ये मानता हूँ बात कि स्किन के साथ एनिमी बहुत इजीली मर जाता है, क्योंकि जब आप डबल डैमेज गन चलाते हो या जब आप डबल रेट ऑफ फायर वाली शॉट गन चलाओगे तो बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन गाइज मैं एक और बात बता देता हूँ, अगर आप विदाउट स्किन गन चलाओगे, अगर आपके पास स्किल अच्छी है तो आप एनिमी को बहुत इजीली मार दोगे। मैंने जो स्टार्टिंग के दो बेसिक स्टेप सिखाए हैं ना गाइज, अगर आपने वही ढंग से सीख लिए ना तो आपसे अच्छी शॉट गन कोई भी नहीं चलाएगा, ये मान लो मेरी बात। आप यहां पर देखो मैं विदाउट स्किन खेल रहा हूं, लेकिन गाइस वही डैमेज आता है, वही तीन गोली में मरता है, और वही अगर स्टार्टिंग की दो गोलियां मार देता हूं तो उसके बाद पूरा मैं फायर चलाता रहता हूं, और अगर मेरी दो गोली मिस हो जाती है तो मैं वॉल लगा लेता हूं, क्रोनो का यूज करता हूं, मैं वही चीजें सेम फॉलो कर रहा हूं। यहां पर देखो मैंने फिर से क्रोनो लगाया है और एनिमी को रश करके मारा है, वही चीजें हम सेम कर रहे हैं विदाउट स्किन भी। तो आपको इतना कुछ ज्यादा वो नहीं करना है कि हमारे पास स्किन नहीं है या फिर हम नहीं खेल पा रहे हैं, ठीक है। बस पहली दो स्टेप को फॉलो करो, आप बहुत अच्छा खेलने लग जाओगे। तो गाइस चलो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मैंने बहुत बोर किया है आपको, अब और ज्यादा बोर नहीं करूंगा। आपको अगर अच्छी लगती है टिप्स एंड ट्रिक्स तो मुझे जल्दी से कमेंट के अंदर जरूर बताना है, और अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो भी जरूर बताना है, ठीक है। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बस अपना ध्यान रखो और घर के अंदर रहो जब तक कोरोना है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस।